भैया जो पत्थर आप लगा रहे हो ये कहाँ से आया, ये जो आपने छोटे छोटे पत्थर लगाए हैं वो? तो स्कूल का कोटा, ये कटा हुआ पीस। अच्छा, वो कोटा स्टोन जो लग रहा था उससे बचे हुए टुकड़े हैं ये जो वेस्ट हो गए थे? अच्छा, और आपने इसमें क्या क्या डाला है? ये क्या डाला है आपने, ये बचा हुआ क्या है? ये पत्थर का घिसा हुआ मलबा है और कपड़ेल टूटी हुई थी, जो कपड़ेल टूट गई। हाँ हाँ, बेकार हो गई थी साइकिल स्टैंड में। अच्छा अच्छा, साइकिल स्टैंड के ऊपर जो सीमेंट की सीट पड़ी थी वो जो निकली उसको आपने यहाँ पे बिछा दिया है ना? तो कोटा है जी हमने यहाँ पे। और उसके बाद जो कोटा स्टोन की घिसाई हुई थी उसका जो मलबा आया वो भी आपने इस पे डाल दिया जी। और ये टूटे फूटे ईंटे जो इधर उधर स्कूल में इधर जो इस स्कूल में पड़ी थी वो आपने इसको उठा के इस पे आपने ऐसे डाल दिया। और इसके ऊपर फिर आप थोड़ा सा रेत डाल के और आपने इसको ऐसे बचे हुए कोटा स्टोन मिला के इस तरह से आपने इसको बनाया ना? अब तो देखो कितना अच्छा बन गया ना ये तो। हाँ जी ठीक, ये बन रहा जी। मतलब कि जो सामान टूटा फूटा पड़ा था और इधर उधर मलबे का ढेर स्कूल में लगा था उससे आपने रोड बना दिया। मतलब वेस्ट मटेरियल का आपने बेस्ट यूज निकाल दिया। मैडम जी इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। हाँ मेहनत लग रहा है लेकिन जो मलबा था वो यूज हो गया है ना, जो इधर उधर फेंका रहता उससे बढ़िया सा रोड बन गया कॉलोनी में आने जाने के लिए। तो इसको कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बहुत बढ़िया, आपको नहीं पता बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो।